हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपको हमारी न्यू ब्लॉग में स्वागत है, राजा एंड मोनी ब्लॉग में। मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। क्या करे, समय नहीं मिल रहा, यहाँ पर बारिश हो रहा है इतना जोर से, पानी भरना सब काम है लगा हुआ है ना। कल तो है नहीं घर में, बिंदास पानी भर लेंगे बाद में, तो टाइम का पानी है ना, इसलिए हर बार करना पड़ता है। दोस्तों, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चावल बना लिए हैं, और क्या बनाए, ये आलू भाते जिसे दाल भात चोखा ही बनाए, ज़्यादा कुछ नहीं। दाल जितना खोले उतना टेस्टी बनता है, खाने में भी टेस्ट लगता है। अनन्या कैसे साड़ी पहनी है, गमछा का पगली जैसा लग रही है। ऐसा सच में पगली जैसा लग रही है, पूरा चूल चार तरफ बिखरा हुआ है, चड्डी वड्डी सब दिख रहा है। अच्छा से करो, बादल गरज रहा है। तो पापड़ भाज देते हैं बाबू का थी, उसको तब दाल भात चोखा ढूके, दाल भात चोखा तो उसको ढूकेगा नहीं, बोलेगी पापड़ भाजो। फिर दोबारा देखो, दाल गर्म, दाल भाजने के बाद फिर से हम कढ़ाई चढ़ा दी उसी में। ये तो अंडा रात को बचा था, तीन है शायद। तेल गर्म हुआ कि नहीं कजिन? दाल चोखा बनाएंगे अभी। पंखा चलाइए, फिर आवाज होगा गड़गड़ गड़गड़। आज बृहस्पतिवार है, क्या बनाए, इसीलिए दाल भात चोखा ही बना दिया। ऐसे भी कुछ सब्जी नहीं है, इसका पापा लेकर आएंगे तो फिर रात को बनाएंगे। तेल गरम नहीं हुआ लगता, हाँ। देखिए दोस्तों, अनन्या कैसे रोटी बेल रही है। ये रोटी कौन खाएगा, अच्छा से बेलो। जब बोलेंगे कि अनन्या बेलिए मेरे बाबू, अच्छा से बेल बेल कर रखो, ज्यादा भी बड़ा नहीं, बस बस ज्यादा चिमड़ हो जाएगा नहीं तो। ओ सॉरी, भूल गए थे। अजय अनन्या अपना पराठा बना रही है अपने हाथों से, जिसको खाना है तो आ जाइए मेरे घर में, मेरा बाबू अच्छा अच्छा पराठा बना के खिलाएगी, है ना। यहाँ पर चढ़ा है चाय, चाय खोल रहे हैं, तावा चढ़ा दिए गर्म होने के लिए। सड़ी बढ़ जाता है, खोलना उसको। ये केठो इधर चाट ही बनाना है। ये संटू क्या इतना देर तक बेल रही है, तो कैसे लगा? हल्का सा छीट के हाथ से लगाना। इसको आता ही नहीं, इतना दी जीवन भर देखी बनाते हुए, ले पो उसको। बस को फोल मारो, कैसे करते करो ये फटाफट, देरी हो रहा है इधर। ऐसे करेगी तो लफड़ा हो जाएगा बहुत, इतना घंटे लगाएगा, छोड़ो चिपकाने की जरूरत नहीं, चिपक कर लग जाएगा नहीं तो। थोड़ा
थोड़ा सा आटा लगाइए, नहीं कि चिपकाना है चौकट में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक ही नाइटी में हमेशा ब्लॉग बनाती हूँ, क्या करें दोस्तों, पैसा नहीं है, नाइटी खरीद नहीं पाते, यहाँ पर पैसे का लेकर बहुत झमेला हो रहा है, काम कर रहा है, सब पापा पैसे नहीं मिल रहे, पैसा ही सब कुछ है, कुछ भी खरीदने जाओ इतना महंगा है, पैसा बिना कुछ होगा भी नहीं। रखो थरिया दिए हैं किस लिए, तावा तो चढ़ा दिए, गर्म हो रहा है, काटी में भी इतना काटी कम रहता है, 3 दिन जलाओ के तीसरे दिन से चौथे दिन से ना फूल भी नहीं रहा। ना फूल किया इधर सुधार इधर सुधार आएगा, ये तो 3 3 3 6 इधर तो नोट और बत्ती रहता है। हाँ 10 रुपया में 10 बत्ती देना चाहिए, एक पीस का 1 रुपया, बाबा तो बहुत ठग रहे लोग, एक बत्ती का नोट और बत्ती दिया 10 रुपये में, 2 बैटरी दिखा रहा है।
तो तिरपाल लगा लिए थे बोल के दोस्तों, घर में पानी नहीं चूड़ा तो जो गत होता है हम लोग का, घर हमेशा 24 घंटा भीगा रहता चिप 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 ना बाबू। मेरे भैया आ गया भी था बोल के तिरपाल लगा दिए। नमस्ते करो, चलो आ जाए नन्या का पापा आज ऑफिस से जल्दी आ गए बोल के। बहुत दिनों के बाद मिले। हाय दोस्तों, आपको हम ब्लॉक में ले लिए, नहीं तो रात 12-1 बज जाता है, नहीं ढुकाते हैं आपको। है, मतलब हमको बाद। चलो ठीक, क्या हो रहा? इसको देखिए रिमोट पतला है, उसको तोड़ने में लगा है। नहीं करो, जिसके घर में ऐसा शरारत बच्चा हो इसको भी वहीं पे ले जाकर भर लो। टिंग हो जाएगा एक। कहते नहीं है वो बच्चा का जो शरारत ना करे। हाँ, गला में क्या होगा कर रहे हो हर जगह इंसेंट बोलती नहीं, गजब भेजती है। देखिए इसको देखिए, घोमोरी से इसका हो गया काला, चूल कटिंग से हो गया नेकड़ी। हाँ नेगड़ो फिर से कट सामने वाले को कटिंग हुआ कैसे। ओके दोस्तों, बाय बाय, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट। नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बहुत दिनों के बाद आए हो तो आवाज में बहुत दम है, वाह वाह वाह, ऐसे ही रहना चाहिए। ओके बाय बाय, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। अभी रिमोट गिरने वाला था, बाय बोलो। ऐसे नहीं, बस ओए मैडम, मैडम का पापा। बाय बाय, बाय बाय दोस्तों, नए कल एक ब्लॉग में मिलते हैं।